आज काफी सारे न्यूज लेके आ गए हूँ थालापट्टी विजय सर की वारसू फिल्म के बारे में, उसका ट्रेलर कब आएगा और सबसे बड़ी बात उसका हिंदी में फिल्म से रिलेटेड कुछ भी कब आने वाला है। सो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, आपको सब पता चल जाएगा। भैया उससे पहले बता दूं, ये फिल्म अब चार लैंग्वेज में रिलीज होने जा रही है। पहला तमिल के हैं ये, फिर तेलुगु में जा रही है वारासुडु के नाम से, और फिर हमारे यहाँ हिंदी में वारिस के नाम से आ रही है। लेकिन अब कल न्यूज आई है कि अब ये फिल्म मलयालम में भी रिलीज होगी, लेकिन अब इसका मलयालम वर्जन का नाम वगैरह रिवील नहीं किया गया। और रही बात ट्रेलर कब आएगी, तो भाई इस साल 31 दिसंबर को ही आने वाली है, और उसी दिन अजीत सर के थुनवी मूवी का भी ट्रेलर आएगा। भैया लगता है दोनों मेकर्स ने ठान लिया है हम ट्रेलर रिलीज में भी आपस में क्लैश करेंगे। लेकिन कमाल की बात ये, हर एक क्लैश में रिसेंटली ऑडियो लॉन्च इवेंट में भी थालापट्टी विजय सर जीत रहे हैं क्रेज के मामले में। सो अब देखते हैं 12 तारीख को पूरे इंडिया में कैसा माहौल बनता है, जहां अजीत सर की थुनवी फिल्म एक गैंगस्टर टाइप की फिल्म है, और आपको पता ही वो ऐसी फिल्म आजकल मार्केट में कितनी चल रही है। और हमें विजय सर की वारसू एक फैमिली एक्शन टाइप की मूवी है, जहां विजय सर फिल्म एक बड़े बिजनेस टाइकून के बेटे हैं, फिर उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि बिजनेस और फैमिली दोनों पर संकट आ जाता है। शायद कुछ विलेंस इनके बिजनेस को हड़पना और फैमिली को मारना चाहते हैं, और दोनों को बचाना है विजय सर को मूवी में। वेल विकिपीडिया पर यही सब लिखा हुआ है, मगर मुझे लगता नहीं कि जितना वारसू का थीम सिंपल सा लग रहा है उतना सिंपल सा मूवी के अंदर भी होगा, नहीं तो मेकर्स इसे पैनल रिलीज करने का सोचते भी नहीं है। देखिए अब हिंदी ट्रेलर के बारे में बताया जा रहा है वो 31 दिसंबर के बाद ही रिलीज होगी, उस दिन कल तमिल या तेलुगु वर्जन कहीं आ सकता है, मगर हिंदी वर्जन का हमें सीधा 5 जनवरी के बाद ही देखने को मिलेगी। शायद उससे पहले मेकर्स रंजीत हमें सॉन्ग का हिंदी वर्जन रिलीज कर दे टी सीरीज पर। और हाँ, इस बार हिंदी में थालापट्टी विजय सर का वॉयस नहीं होगा बल्कि कोई और गाया होगा मूवी। सो अब देखते हैं फिल्म और उसके गाने हिंदी ऑडियंस पर क्या इंपैक्ट डालता है। पिछली बार तो बीस्ट के समय पूरा तहलका मचा दिया था बीस्ट के गानों ने, पूरे 2 मिलियन व्यूज फिल्म रिलीज होने से पहले ही पहुंच गया था। और साथ में इस बार ये भी देखना है वारसू या वारिस का कुछ हिंदी बेल्ट में प्रमोशन मार्केटिंग होता भी है या नहीं। और वैसे भी विजय सर अपने स्टेट में भी प्रमोशन मार्केटिंग नहीं करते हैं फिल्म की, उनको जरूरत ही नहीं पड़ता, उनको स्टारडम ही काफी है फिल्म को चलाने के लिए। उनका फ्लॉप कंटेंट यानी बीस्ट का भी 200 करोड़ के ऊपर कमाई हो गई थी। इंडिया में प्रभास सर और थालापट्टी विजय सर ही दो ऐसे मेगा स्टार हैं जिनके फ्लॉप फिल्में भी 200 करोड़ के ऊपर चली जाती हैं। होप इस बार वारसू में बीस्ट जैसा कंटेंट ना हो, एकदम पैन इंडिया लेवल टाइप की मूवी हो। बाकी आपको क्या विचार है थालापट्टी विजय सर की वारसू फिल्म के बारे में, अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताना, और साथ में इसी और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।